हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता और आज हम जा रहे हैं कोलकाता, राइट? सो हम यहाँ से जा रहे हैं कोलकाता। उसके बाद हमारे फर्दर प्लान्स भी हैं और मैं कोलकाता में कोशिश करूँगी बहुत सारी ब्लॉगिंग करूँ और उसको अपडेट करूँ। सो विल सी एंड विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दिस कोलकाता ट्रिप, राइट? या तो राइट, मिलते हैं कोलकाता में। बोलो, मिलते हैं कोलकाता में। अभी हम दुर्गापुर में हैं तो यहाँ से हम एसी बस से कोलकाता जा रहे हैं। क्योंकि गर्मी काफ़ी थी तो हमने एसी बस की है और हमारी बस जो है वो सीटिंग वाली है। हमारी रोड जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल और मस्ती में गुजरी और अब हम कोलकाता पहुंच गए हैं और अब सीधे हम अपने होटल जा रहे हैं। एंड दिस इज़ आर होटल पीपल ट्री, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और इकोनॉमिकल था। गाइज, हम पहुंच चुके हैं कोलकाता और हम होटल में भी आ चुके हैं। कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, लेकिन समाओ हमने मैनेज करके हम अभी होटल रूम में आ चुके। दिस इज़ आई थिंक ट्रिपल ट्री होटल और मैं आपको रूम का व्यू दिखाती हूँ। सो ये एंट्री है और एंट्री के पास ही ये बड़ा सा मिरर है जिसमें आप अपना पूरा फुल व्यू देख सकते हैं। एंड उसी के साथ ही ये वॉशरूम भी है जो कि मुझे काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कुछ टॉयलेटरीज दिए हैं इन्होंने। सो दिस इज द वॉशरूम और उसके साथ ये उन्होंने डबल बेड ऐसे टाइप से दिया है, अभी हम इसको ज्वाइन करवा लेंगे। और यहाँ पर ये टीवी है, यहाँ पे एक और मिरर दिया है इन्होंने जो कि छोटा है और ये स्टडी टेबल के साथ है। हेयर ड्रायर भी है यहाँ पर, ये आई थिंक मिनी फ्रिज है कॉफ़ी वॉफ़ी के साथ और बॉटल्स भी अवेलेबल हैं। ये व्यू है यहाँ से, व्यू कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं है बट ओके टाइप है। यहाँ से आप कोलकाता का जो व्यू है वो देख सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर ये अलमीरा है और ऐसे स्लाइड होके ओपन होती है, उसमें हैंगर ऑप्शंस हैं। और यस, दिस इज द रूम। ये आपको दे रखा है कुछ भी, आई थिंक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है आपको अगर, तो इन रूम डाइनिंग के लिए है। यहाँ पे सीलिंग कार्ड है, दिस इज एनवलप्स ओनली, बेसिक स्टफ। हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा कोलकाता के दर्शन के लिए निकलेंगे। अभी मुझे नहीं पता है, बाकी लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली निकलेंगे। थोड़ा सा लेकिन रेस्ट करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, थोड़ा सा शाम टाइप का हो जाए देन विल गो आउट। और फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जहाँ पर मैं जा रही हूँ।